जी, तो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं केले लेने के लिए, क्योंकि अभी आज हम लोग निकल रहे हैं बाबा के द्वार और हमारा विचार है सेवा करने का। तो हमने केले लिए और थोड़े बहुत जूस भी लेंगे ताकि जो पैदल लोग जाएंगे उनके लिए सेवा करने का मौका मिलेगा और दर्शन करने भी जाएंगे। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग जा रहे हैं, सॉरी, पहले तो जय श्री राम सभी को। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाबा के द्वार और बाबा के दिन चल रहे हैं, फागुन मेला चल रहा है, तो बहुत टाइम से मन था जाने का। तो अभी आज जा रहे हैं हम लोग और हमने सोचा भी था कि सेवा करते हुए जाएंगे, तो हमने सुबह में गए थे अर्ली मॉर्निंग लेने के लिए केले वगैरह और जूस अभी आगे से लेके जाएंगे और मस्त दर्शन करेंगे, अगर हुआ तो दिखाएंगे भी, पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और बहुत पुलिस भी लगी हुई। जूस का पैकेट ले लेंगे और फिर पहले मंदिर जाएंगे, जल्दी हुआ तो, लेट होगा तो मंदिर से चले जाएंगे, वरना फिर मंदिर से आधे टाइम में लोगों की सेवा करते 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 फिर घर पर आएंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। चलो फिर फटाफट, दोनों भी रेडी हो चुकी है और आज दोनों ने मांग भरी है। नहीं बोलती क्योंकि मेरे बाल चले जाते हैं। तो आज अभी हम खट्टू चाप जा रहे हैं और चलो जल्दी जल्दी निकलते हैं, लेट हो रहा है। बताओ इधर क्यों? खट्टू बाबा क्या करने जा रहे हो वहाँ पे? दर्शन। ओ, दर्शन करने जा रहे हो? अरे बकरू बहुत भारी है। क्यों क्यों गया? फिर अभी हम लोग चलते हैं और पीछे केले पड़े हो रहे उसके पीछे हो जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं खट्टू के लिए, तो केले तो ले लिए थे हम लोगों ने और अभी ले रहे हैं बोतल, पानी की बोतल ले रहे हैं, 5-6 कैरेट ले रहे हैं जिसमें कम से कम 200 पानी की बोतलें हो जाएगी और जूस भी आगे से ले लेंगे हम लोग। फिर सेवा करते करते बाबा ने ये हमें दिया है तो सेवा करते करते जाएंगे हम आगे, मस्त दर्शन करेंगे बाबा के। तो फिर चलिए जूस लेके, जूस भी जल्दी से ले लेते हैं और पहले थाल लेके गए थे। अभी हमारे साथ में अजय भाई भी है, तनु है, मेहू है, हम 4 लोग जा रहे हैं, पहले 3 लोग जा रहे थे। अजय भाई का भी प्लान बन चुका है तो हम लोग जा रहे हैं बाबा के। यस, कार्टून नगरी चाला। अभी हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बाबा के पैदल यात्री जा रहे हैं लोग, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु, और हर 500 मीटर पे बना हुआ है बाबा के जो सेवा करने के लिए भंडारे बने हुए हैं, भंडारे लगे हुए हैं जहाँ पे लोग रुक के, ये सब जगह ऐसे रोड पे बनाए हुए हैं लोगों की सेवा के लिए, बहुत सारे लोग सेवा में लगे हुए हैं और आज हम भी जा रहे हैं, बाबा ने हमें भी ये मौका दिया है, हम भी सेवा में लगने जा रहे हैं, पहले दर्शन करेंगे फिर बाबा की सेवा में लगेंगे। देख रहे हो हर जगह भंडारे लगे हुए हैं और मस्त पैदल जा रहे हैं श्रद्धालु। देखो टोल क्रॉस करके अपने गाड़ी पार्क करी और अभी हम लोग यहाँ पे करने वाले ब्रेकफास्ट, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और अभी हम लोग निकल चुके हैं खट्टू के लिए, अभी देखते हैं सामने कितनी भीड़ मिलती है। बाकी आप देख सकते हैं सेवा के लिए हर जगह पे केले जूस सब जगह पे है। फुल रश है, फुल एकदम भीड़ भीड़ है पूरी यहाँ पे, देख रहे हो पूरा एकदम हर जगह पे ना, इतनी प्यारे प्यारे बना रखे हैं। तो गाइस इतनी ज्यादा भीड़ है, हम मॉर्निंग निकले हुए हैं 9 o'clock और अभी बज रहे हैं 4 दोपहर के और अभी तक हम खट्टू नहीं पहुंचे हैं, इतनी ज्यादा भीड़ है। वो 1-1.5 घंटे का रास्ता है और सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बज चुके हैं, अभी तक हम खट्टू नहीं पहुंचे, अभी भी शायद 1 घंटा लग ही जाएगा पहुंचते पहुंचते, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सब रास्ते बंद कर रखे पुलिस ने, सब रास्ते। कैसा लग रहा है? आज बहुत पूरा बंद रखा था तो आज ही रिक्शे में जाना पड़ रहा है क्योंकि रोड एंट्री है नहीं अंदर जाने के लिए, और मैं अर्जय भाई यहाँ बैठ रहे हैं, ये बैठ गए भैया। आज हमारी गाड़ी कम से कम 3 किलोमीटर दूर बाहर खड़ी है और हमें ई रिक्शा जाना पड़ रहा है क्योंकि पुलिस वालों ने पूरा यहाँ पे एकदम स्ट्रिक्ट कर रखा है और सब रास्ते बंद कर रखे हैं गाड़ी के आने जाने के। ये गाड़ी कहाँ से आई? ये गाड़ी अभी यहीं से बन गए थे ना? नहीं नहीं, देखो कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है यहाँ पर भाई, भयंकर ही भीड़ हो रखी है यहाँ पर। चले चले लगता था रुपये वो आ जाएंगे, वो बना मेलो आयो है। गाइस कितनी बड़ी लाइन बनी हुई है वीआईपी के लिए, अभी तो फुल लाइन बनी हुई है आज।
हम करीबन सुबह मॉर्निंग निकले थे 8 o'clock और अभी हमारे हो रहे हैं 5 बज रहे हैं 5:30। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। गाइस भयंकर भीड़ हो रखी है, बहुत ज़्यादा रश आज, इतना रश तो फर्स्ट टाइम देखा है। हेलो ले ले, बोले ना कितनी भीड़ है, बोले नहीं ना रोड पर। गुड़गांव से आए हैं, उनका सविता सलीस पूछताछ केंद्र पर इंतजार कर रही है। पूजा ज्योति नई दिल्ली विकास नगर से आई है, उनका गीता देवी पूछताछ। चले बहुत ही प्यारे दर्शन हुए बाबा के, मजा आ गया। फिर भी भीड़ तो ज्यादा थी। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो बहुत ही प्यारे दर्शन हुए और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। हम मॉर्निंग निकले थे 8 बजे और अभी हम घर जा रहे हैं करीबन पहुँचते पहुँचे 10 बज जाएंगे शाम को, है ना। 10 तो बहुत बज ही जाएंगे मेरे को। तो गाइस अभी हम लोग वापिस जा रहे हैं गाड़ी के पास, है ना, और मस्त दर्शन। गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं पार्किंग में। मेरे को ना पार्किंग में आ गए ना वापस। बाबा के दर्शन किए आपने, कैसे करे थे आपने, अच्छे मज़ा आया ना। हाँ तो अभी हम वापस आ चुके हैं पार्किंग में और हमारी गाड़ी वहाँ पार्क कर रखी है हमने। हाँ तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं, मेरे को ना मज़ा आया पार्किंग में आ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलेंगे जयपुर के लिए और हम हाथ धुला दे रहे पानी से। गाइस अभी हम घर जाने की तैयारी में लगे हैं और हम सुबह निकले 8 बजे और अभी रात के कितने बज रहे हैं देख लो, 8 बज रहे, 8:30 हो रहे हैं। सुबह 8 से 8:30 सीधे 12 घंटे हो गए। आ जाओ चलो चलो चलो। अरे के सारे की जय, तीन मानदारी की तो अभी हम लोग निकल चुके हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अजय भाई घर पे और वो अपनी थार खड़ी वहाँ रही। भाई साहब उनको देखता है कहाँ पे, ये भाई साहब ना ये उनका इंतजार करते कब आए हमारे दोस्त। कौन है आपका भाई साहब, जस्टिन है ना हमारा, किधर है। अरे ये देखो ये निकला हुआ, ये रहा ये निकला हुआ, उनका वेट कर रहा है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं अजय भाई की कोटरी पे, हवेली पे आ गए हैं अजय भाई की। कोटरी दिखा दो रे, घुसाओगे रे ये तुम्हारा केला ले जाओ। अपनी गाड़ी भी निकल रही है बाहर और अजय भाई गाड़ी लेके गए थे क्योंकि केले वगैरह लेके गए थे साथ में, बट कहीं दे ही नहीं पाए। तो सोच रहे हैं कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जो फुटपाथ के जो लोग बच्चे रहते हैं उनको दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे रोड पे फुल भंडारे हो रहे थे तो लोग वैसे वेस्ट करते हैं, तो हम नहीं दे पाए कहीं पे। अब इस गाड़ी को लेके जाएंगे घर पे और घर पे जाके मिल रहे हैं, बहुत थक चुके हैं अभी। तो फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं पार्किंग से, गाड़ी पार्क कर लिए और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो भाई साहब अभी व्लॉगिंग नहीं होगी क्योंकि सुबह से व्लॉगिंग कर रहे हैं, बिल्कुल थक चुके हैं। तो अभी जाके सोने वाला हूं मैं, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करने वाला हूं। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा बाबा का द्वार देख के और वहाँ पर इतनी सारी भीड़ देख के, फागुन का मेला देख के। Thank you.